हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर सर्कल का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने। लेक्चर नंबर 9 में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, इंटरसेप्ट ऑफ कट द लाइन फ्रॉम द सर्कल एंड डायरेक्टर सर्कल के बारे में पढ़ा था। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नॉर्मल की इक्वेशन से। तो नॉर्मल ऑफ अ सर्कल एट गिवन पॉइंट, सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। नॉर्मल नॉर्मल टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दिए गए बिंदु पर वृत्त के अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट यहां पर। द नॉर्मल टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल की डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लें। वृत्त का अविलंब एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है, वृत्त का अविलंब एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो सदैव वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, जो सदैव वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है एवं उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत होता है, एवं उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, अब हम निकाल रहे हैं नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। जैसे एक पी बिंदु आपके पास गिवन है, एक्स वन एंड वाई वन, ये बिंदु दे दिया, और वृत्त का समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये आपके वृत्त की इक्वेशन है। तो चलिए डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है नॉर्मल। जैसे ये एक वृत्त है, इसके किसी बिंदु P पर, P के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन एंड वाई वन, पर खींची गई स्पर्श रेखा, पर खींची गई स्पर्श रेखा आपकी ये है आपका टेंजेंट। क्लियर? ये टेंजेंट है, यहां पर वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र आपका क्या है? माइनस जी और माइनस का है। तो अविलंब क्या होगा आपका? ये होता है आपका अभिलंब, जो सदैव वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और स्पर्श रेखा के कैसा होता है? लंबवत। तो इसको हम बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब बोला जाता है। तो अब देखें इधर, तो डेफिनेशन क्या लिखाई थी मैंने कि अभिलंब एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो सदैव वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है एवं खींची गई स्पर्श रेखा के कैसा होता है? लंबवत। तो अब आप यहां पर देखें कि जो कांटेक्ट बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, जो पी है, अब जैसे कोई इक्वेशन, जैसे कल ही मैंने अपने लेक्चर नंबर 9 में एक क्वेश्चन किया था कि उसका आंसर गलत था ऑप्शंस में, तो उसमें क्या था, आपको एक टेंजेंट की इक्वेशन दी थी और वृत्त दिया था, हमें स्पर्श बिंदु ज्ञात करना था। तो स्पर्श बिंदु हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर जैसे हमारे पास स्पर्श रेखा है तो हम उसके लंबवत रेखा निकाल लेंगे, मतलब अभिलंब का समीकरण,
और अविलंब कहाँ से होकर गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा, तो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। नॉर्मल और स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। क्या होता है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु, हम इस टाइप से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब अभिलंब का समीकरण क्या होता है, अभिलंब का समीकरण होता है आपका, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं, x माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स वन प्लस जी इक्वल आता है y माइनस वाई वन अपॉन में वाई वन प्लस एफ। ये होती है आपकी नॉर्मल की इक्वेशन। चलिए अब हम इसको कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, सो ध्यान से देखेंगे इसका प्रूफ। हम इसकी प्रूफ पर बात करेंगे। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि सीधा सा कंसेप्ट है कि नॉर्मल कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है। एक तो पी से होकर गुजर रहा है और एक सेंटर से होकर गुजर रहा है। तो मतलब जो सीपी रेखा है वो ही आपका क्या है, नॉर्मल है। वो ही क्या है, नॉर्मल मतलब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, सीधा सीधा हमें ज्ञात करना है, वो ही आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो कैसे निकालेंगे, बिंदु पी व सी से जाने वाली वाली रेखा का समीकरण। पी व सी से होकर जान दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या लिखते हैं, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन। अब आप देखें वाई माइनस वाई वन अपनी जगह वाई वन, वाई टू, वाई टू क्या है, माइनस है, माइनस एफ माइनस का वाई वन अपॉन माइनस का जी माइनस का एक्स वन और इनटू में एक्स माइनस एक्स वन। इसको अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लें, ऊपर से माइनस साइन, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, वाई माइनस वाई वन, वाई वन प्लस एफ अपॉन में एक्स वन प्लस जी और यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा। तो आपके अवलंब की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहां से देखें कि एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स वन प्लस जी इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में वाई वन प्लस एफ। ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस टाइप से हम इसको निकालते हैं। चलें भाई आगे चलते हैं। यहां पर अब हम लिखते हैं कि यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो इस कंडीशन में जो सेंटर है आपका वो जीरो जीरो होता है, मतलब जी जीरो और एफ भी जीरो। तो हम यहां पर जी जीरो रख देंगे और एफ जीरो रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब देखें सभी स्टूडेंट
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जब सेंटर आपका 0 0 होगा तो उस कंडीशन में हमें नॉर्मल की इक्वेशन क्या मिलेगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x-x1 अपॉन में x1 और इक्वल में y-y1 अपॉन में y1। तो ओवरऑल आपको इक्वेशन मिल जाएगी नॉर्मल की, x/x1 इक्वल टू y/y1। ये आपकी होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये याद रखना है, और यहाँ पर एक नोट जरूर डालेंगे सभी स्टूडेंट, यहाँ पर एक नोट जरूर लिखेंगे कि वृत्त का अभिलंब अभिलंब सदैव वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। के केंद्र से होकर गुजरता है, ये लाइन ये बहुत मोस्ट है। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट क्या है, ज्ञानी हो जाता है बहुत ज्यादा, कि भाई वृत्त का अविलंब केंद्र से होकर गुजरता है, तो वो ये सोच लेता है जैसे परवलय का अविलंब तो नाभि से होकर गुजरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कंडीशन केवल वृत्त में है कि वृत्त का अविलंब सदैव कहाँ से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है। तो आपको ज्यादा गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है इस कंडीशन में, केवल यही याद रखना है कि वृत्त का अभिलंब सदैव कहाँ से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है। तो चलिए अब चलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन देखते हैं अपन सर्कल की। पैरामेट्रिक इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल की पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सीधा सा भाई, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होते हैं आपके? ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये होते हैं आपके पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ये है, तो यहां पर आप रख दें। ये पैरामेट्रिक फॉर्म किस कंडीशन में है? जब सेंटर क्या है आपका, वृत्त का केंद्र क्या होता है, 0 0 होता है भाई, उस कंडीशन में होते हैं। तो हम इनको यहां पर रखेंगे, जब आप इधर रखेंगे तो ये आ जाएगा x/a cos θ इक्वल टू y/a sin θ। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाता है x tan θ। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है सर्कल की। सो सर्कल के नॉर्मल की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, तो सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देख लें। चलिए ये यहाँ पर हमारा नॉर्मल फिनिश होता है। स्लोप एक फॉर्म में इक्वेशन नहीं होती है। यहाँ पर स्टूडेंट जरूर एक बात पूछ रहा होगा, सोच रहा होगा कि भाई स्लोप फॉर्म में इक्वेशन नहीं होती। तो स्लोप फॉर्म में सर्कल की के नॉर्मल की इक्वेशन नहीं होती है। चलें अब अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल के ऊपर फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के दिन का, अपना लेक्चर नंबर 10 का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सर्कल इज विच इज पैरेलल टू द लाइन वृत्त x² + y² इक्वल टू 2x के अविलंब का समीकरण। अविलंब का समीकरण जो रेखा x+2y इक्वल टू 3 के समांतर है। भाई चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला काम है नॉर्मल की कंडीशन में पैरामेट्रिक
पहले आपको वृत्त क्या गिवन है, वृत्त है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स और इक्वल टू जीरो। तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर है आपका 1, 0। ठीक है, अब रेखा जो अभिलंब है वो इसके समांतर है, और आपको मालूम है कि अगर हम इस रेखा के समांतर कोई रेखा बनाते हैं तो एक्स का गुणांक ये वाला पार्ट पूरा सेम रहेगा, केवल परिवर्तन किसमें होता है, अचर पद में होता है। तो रेखा एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री के समांतर, समांतर अभिलंब का समीकरण। के समांतर अभिलंब का आप समीकरण लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू लेमडा आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब अभिलंब कहाँ से होकर गुजरेगा आपका भाई, केंद्र से होकर गुजरेगा, तो यहां से गुजार देंगे केंद्र सी 1, 0 से गुजरता है। तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 1 रख दें, वाई की जगह 0 रखेंगे, इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। लेमडा का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो अभिलंब का समीकरण क्या आ जाएगा आपके पास, अभिलंब का समीकरण आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 1। ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली ऐसे कर सकते हैं। चले एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई अभिलंब का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एट द पॉइंट, सिंपल क्वेश्चन है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 48 इक्वल टू 0 के बिंदु P 5, 6 पर खींचे गए गए अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। सो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हमें सबसे पहले केंद्र निकालना है वृत्त का, तो फटाफट आप केंद्र निकाल लें। केंद्र क्या आ जाएगा आपका, 5/2 और माइनस का 1, ये आ गया आपका केंद्र। ठीक है, केंद्र आने के बाद अब हमें केवल और केवल क्या करना है, ये हमारे पास बिंदु दिया है, ये हमारे पास बिंदु दिया है x1 और y1। तो अभिलंब का समीकरण आप क्या लिखते हैं भाई, यहां पर अभिलंब का समीकरण लिखते हैं आप x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस g और y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस ये आप समीकरण लिखते हैं। तो अब ध्यान से देखना है, यहां पर जो g की वैल्यू है आपकी वो -5/2 है और f की जो वैल्यू है वो आपकी +1 है। f की जो वैल्यू है वो क्या है, +1 है। ये यहां पर गड़बड़ कर सकता है स्टूडेंट, क्योंकि आपने केंद्र निकाला तो आपको तो ये जी लगेगा, बट जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, माइनस का, क्योंकि केंद्र जो है वो -g - f होता है। तो यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे तो माइनस का 5/2 और प्लस का 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, एक्स माइनस 5 अपॉन में 5 -5/2।
और वाई माइनस सिक्स अपॉन में 6 प्लस 1 आ जाएगी। तो कितना आएगा फाइनली आंसर आपके पास, एक्स माइनस फाइव ये हो जाएगा, ये 5/2 रह जाएगा, यहां पर आ जाएगा वाई माइनस सिक्स आ जाएगा और अपॉन में 7 आ जाएगा। 2 कहाँ पहुंचेगा भाई, ऊपर पहुंचेगा, तो ये आ जाएगा 2x-10 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 और इक्वल टू में y माइनस सिक्स अपॉन में 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14x माइनस का 70 इक्वल टू 5y और माइनस का 30। तो ये आ जाएगा 14x माइनस का 5y इक्वल टू 40। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा y इक्वल टू 2x+1 द्वारा ब्रथ x²+y² इक्वल टू 2 से काटे गए अंतःखंड की लंबाई। गए अंतःखंड की लंबाई याद करना है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें इधर सभी स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया यहां पर, एक सुंदर सा वृत्त बना लें आप। ये रेखा है, उतनी ही खींच रहे हैं हम रेखा जितनी हमें जरूरत है। ये भैया आपकी रेखा है, ये सेंटर है, सेंटर है आपका 0,0। सेंटर से हमने इस रेखा पर लंब डाल दिया। इसका मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये रेडियस है, ये रेडियस कितनी हो जाएगी √2। हमें अंतःखंड ए बी और ये ले लिया सी और सेंटर ले लिया ओ। ठीक है, ओ सी ज्ञात करना है, मतलब मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। चलें भाई, रेखा क्या दी है आपको, रेखा को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, और सेंटर है आपका ओ 0,0। तो सबसे पहले हम ओ सी निकालेंगे, ओ सी निकालेंगे तो इस बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी, तो एक्स की जगह 0 रखेंगे 0, वाई की जगह 0 रखा 0+1 और अपॉन में क्या आ जाएगा √a² मतलब 2 का वर्ग + 1 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा 1/√2। ये आ गया अपने पास OC आ गई। अब हम निकालेंगे AC² समकोण त्रिभुज, ये यहां पर 90 बनेगा और ये दोनों भाग क्या होंगे, दुगना हो, ये दोनों भाग बराबर होंगे, तो AC हम निकाल रहे हैं, फिर हम AC का दुगना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। सो यहां से समकोण त्रिभुज में हम AC² इक्वल टू अगर लिखते हैं भाई, तो क्या आता है हमारे पास, OA² पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, माइनस का OC² ये आ जाएगा। ठीक है भाई, तो OA कितना है हमारे पास, √2 का स्क्वायर, 2 माइनस का 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 9/5। मतलब AC की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 3/√5। अब हमें क्या
क्या निकालना है, ए बी निकालना है, और ए बी क्या होगा, ए सी का दुगना होगा, तो दुगना होगा तो ये आ जाएगा 6/√5। तो अंतःखंड की लंबाई ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप से आप तो किसी भी रेखा द्वारा वृत्त से काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर शायद आज का 4 है ये। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट ए बी टू द सर्कल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या बोला है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के बिंदु ए कॉमा बी पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं निर्देशांक अक्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, निर्देशांक अक्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलें भाई करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो एक वृत्त बनाओ, पहले त्रिभुज हम देख तो लें भाई कैसा है। ये वृत्त बना दिया, ये हमने अक्ष बना दिया, ये अक्ष बना दिए, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। यहां पर कोई बिंदु पी है, ए कॉमा, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एवं ये ए बिंदु है और ये क्या है आपका बी, और यहां पर 0,0 वृत्त करते हैं। तो हमें त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल, ओ ए और बी, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्रफल के लिए हमारे पास क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार है ओ ए और ऊंचाई है ओ बी, ना तो हमारे पास ओ ए है और ना ही हमारे पास ओ बी है। तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखें इधर, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के बिंदु पी ए बी पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या लिखते हैं, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर, आर दिया है भाई, तो x1 की जगह a रखेंगे और y1 की जगह b रखेंगे, तो ये आ जाएगा ax प्लस by इक्वल टू r स्क्वायर। अब आप देखें इधर ध्यान से, अब हमें a के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। a के कोऑर्डिनेट, a बिंदु कहाँ पर है, x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर कोई बिंदु निकालना है तो हम y की जगह क्या रख देंगे, 0 रखेंगे। तो y की जगह जब आप 0 रखेंगे तो यहां से आपके पास आएगा बिंदु आर स्क्वायर अपॉन ए कॉमा जीरो, और बी बिंदु अगर हमें निकालना है तो हम एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 0,r² अपॉन बी आ जाएगा। तो ये दूरी तो आ गई आपकी, आधार तो आ गया, ओ ए कितना आ गया आपके पास,
ओ ए आ गया आर स्क्वायर अपॉन ए, और ओ बी कितना आ गया आर स्क्वायर अपॉन बी। तो त्रिभुज बराबर 1/2 ओ ए इंटू ओ बी, तो 1/2 ओ ए कितना आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ए, और ओ बी कितना आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन बी। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, आर की घात 4/2 ए स्क्वायर यूनिट, ये आपका आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्र। क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट की। चलते हैं अब अपन आगे। चलें क्वेश्चन नंबर 5। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स, मतलब वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण जो धनात्मक अक्षों से समान अंतःखंड काटती है, समान अंतःखंड काटती है। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लें कि समान अंतःखंड काटती है। जब भी समान अंतःखंड की बात आती है ना, तो यहां पर m धनात्मक अक्षों से, कौन से अक्षों से, धनात्मक अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। तो जब धनात्मक अक्षों से रेखा समान अंतःखंड काटेगी तो रेखा यूं बनेगी, इस टाइप से समान अंतःखंड काटेगी, तो m की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, समान अंतःखंड के इसमें प्लस माइनस वन होती है, क्या होती है प्लस। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम वृत्त बनाए और वृत्त को आप देखें और समान अंतःखंड काटती है, तो उस कंडीशन में आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी आपकी m इक्वल्स टू माइनस वन, क्योंकि जैसे ये एक वृत्त है आपका, अगर हम वृत्त का यहाँ पर थोड़ा सा, चलो हम पहले बात सॉल्यूशन में बात करते हैं थोड़ा सा, जो सेंटर है वृत्त का वो कितना है आपका -2,2, मतलब सेंटर कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, दूसरे क्वाड्रेंट में है। और रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस की भी बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर रेडियस है इसकी 2 का वर्ग 4 + 4 - 4, मतलब रेडियस क्या है 2 है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो अक्ष बना दिया, अक्ष बनाए यहाँ पर, ये सेंटर है इसका। तो ये वृत्त अक्षों को काटेगा कि नहीं ये देखते हैं पहले हम, कि सेंटर से इसकी दूरी जो होगी, सेंटर से रेडियस कितनी है 2 है, ठीक है। अगर बिंदु ये इस टाइप से आएगा, अगर अगर वृत्त हम ऐसा लेते हैं, ठीक है, तो जो सेंटर है वो अंदर होगा इसके, वो 0 0। अब 0 0 इसके अंदर है कि बाहर है, 0 0 इसके ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 0 अगर हम रखते हैं तो 4 आता है, 4 इज ग्रेट
तो मतलब बिंदु जो है 0 0 वो इसके कहाँ है, बाहर है, कहाँ पर है, बाहर। तो ये वृत्त हमने बना दिया इस टाइप। एक मिनट, एक बार और अपन एक चीज देख लें। सेंटर है 2,2, रेडियस है 2। ओ सॉरी, ये नहीं बनेगा वृत्त, रुकिए। वृत्त आपका आएगा इस टाइप से। इस टाइप, ये सेंटर है, ये सेंटर है। सेंटर क्या है? -2,2, और रेडियस कितनी है आपकी? 2 है। और ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब स्पर्श रेखा जो होगी वो या तो ये इस टाइप से बनेगी, या हम स्पर्श रेखा को अगर हम बनाना चाहें तो ये इस टाइप से बनेगी। तो समान अंतःखंड काटती है, मतलब ये m की वैल्यू यहां पर हमें प्लस 1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये 90 से छोटा एंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? +1। ये पहले आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि समान अंतःखंड के केस में धनात्मक अक्षों के साथ समान अंतःखंड काटता है। उस स्पर्श रेखा का समीकरण जो धनात्मक अक्षों के साथ इक्वल इंटरसेप्ट इन पॉजिटिव, मतलब ये स्पर्श रेखा होगी, इस टाइप से बनेगी स्पर्श रेखा। मतलब एंगल जो होगा फिर ये होगा 135, मतलब m की वैल्यू -1 होगी इस कंडीशन में। तो यहाँ पर m की जो वैल्यू है इसको बदल के हम यहाँ पर -1 कर देते हैं, केवल और केवल बस। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब आपका इस वृत्त को अगर आप लिखना चाहें तो इस वृत्त को आप ऐसे लिख सकते हैं, x+2 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर, और इक्वल में कितना आ जाएगा? देखिए, इक्वल में आ जाएगा 4। ये आ गया आपका वृत्त का समीकरण। तो स्पर्श रेखा क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y-2 = (+-a). ए की वैल्यू क्या है? 2, और रूट ऑफ क्या आ जाएगा? 1+m। m की वैल्यू -1 है। m की वैल्यू -1 रखेंगे, ये 2√2 आ जाएगा। इक्वल टू पे आ जाएगा 2√2। अब भाई यहां पर अंतःखंड पॉजिटिव बोल रहा है, तो हम केवल और केवल प्लस साइन कंसीडर करेंगे। कौन सा साइन कंसीडर करेंगे? केवल प्लस साइन कंसीडर कर सकते हैं। माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो अंतःखंड कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बड़ा सोचना था, क्योंकि बहुत चीजें थी ऐसी कि अलग अलग थी और हम गलत भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखना है। IIT जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे थोड़ा सा उसमें पुष्ट डाल जरूर देता है। चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। ये IIT का क्वेश्चन है आपका। यदि चलें, यदि a इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 0, तो m का धनात्मक मान मान
जिसके लिए लिए y इक्वल टू एम एक्स माइनस बी रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। ब्रतों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एवं इक्वल टू बी स्क्वायर की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके ऑप्शन भी दिए हैं आपको, ऑप्शन भी मैं लिखे देता हूं इस क्वेश्चन के। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है रूट ऑफ अपॉन टू बी। तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। पहले थोड़ा सा हाईलाइटर से इसको हाईलाइट करें। ये कंडीशन एक, ये बहुत मोस्ट है, ए इज ग्रेटर देन टू बी इज ग्रेटर देन जीरो, फिर एम का धनात्मक मान जिसके लिए ये रेखा इन दोनों व्रतों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। इन दोनों व्रतों की कैसी रेखा है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो अब चलें इस क्वेश्चन में। देखिए ये जो रेखा दी है, ये वाली रेखा, ये कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा है कि ये इसकी स्पर्श रेखा दी है आपको। जैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को, ये रेखा इसकी भी रेखा है तो ये इसकी भी स्पर्श रेखा है। तो दो व्रत दिए हैं, जैसे एक तो हमें सी वन व्रत दे दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और एक सी टू व्रत दिया है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका सेंटर क्या है? ए कॉमा जीरो, और रेडियस क्या है भाई? बी। इसका सेंटर क्या है? जीरो जीरो, और रेडियस क्या है? आर टू। यहां पर ये आर बनाए। अब भाई ये जो रेखा दी है, ये तो इसकी स्पर्श रेखा है। अब ये इसको भी स्पर्श करेगी, तो निश्चित बात है इसके केंद्र से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर होगी? आपकी त्रिज्या के बराबर होगी। तो फटाफट सीधा आप कर दें, पहले इस रेखा को आप सही ढंग से लिख लें, एम एक्स माइनस वाई माइनस का बी रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये रेखा लिख ली। तो अब ए कॉमा जीरो से लंब डालेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस का बी रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा? रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? देखें ध्यान से, हमें वैल्यू किसकी निकालना है भाई? एम की वैल्यू निकालना है। तो एम की वैल्यू निकालने के लिए हमारे लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? एम का धनात्मक मान ज्ञात करना है। ये सॉरी, ये ए एम आएगा भाई, यहाँ क्या आएगा? ए एम। तो देखो इधर कि ये आ जाएगा ए एम अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर माइनस का बी,
और इक्वल में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2b, इसका स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 + m² और इक्वल टू में आ जाएगा 4b². क्लियर भाई, सही है सब कुछ। अब इसका त्रिक गुणा करें, त्रिक गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 4b² और प्लस का 4b² m² इसको इस तरफ लाएं तो एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एम स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4b² अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 4b². सो एम की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, 2b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 4b². तो दिख रहा है आंसर कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है। ये आईटी का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है, ये आईटी का क्वेश्चन है, आईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन। सो ध्यान से करें, चलें भाई आगे चलते हैं ऊपर थोड़ा सा। चले उस व्रत का समीकरण, उस व्रत का समीकरण जिसके बिंदु 3,4 पर खींचा गया अभिलंब खींचा गया अभिलंब व्रत को -1, -2 काटता है। अब सुनो क्वेश्चन क्या दिया है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन की भाषा को समझे कि इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब व्रत को पुनः इस बिंदु पर काटता है। जैसे ये 3,4 इस पर खींचा गया अभिलंब व्रत को पुनः क्यू पर काटता है, ठीक है। तो निश्चित बात है ये जो रेखा होगी ये वृत्त का व्यास होगी, क्योंकि अभिलंब जो है वो सदैव कहां से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये क्या है, पी क्यू व्यास है। का व्यास है और व्यास रूप में वृत्त का समीकरण क्या होता है आपका, x - x1 x2। तो क्या आ जाएगा वृत्त का समीकरण, x - 3 क्या आ जाएगा, x²
तो फाइनली आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ये तुम्हारा आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चंस को, बस केवल आपको क्वेश्चन की भाषा को समझना है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि रेखा ए एक्स प्लस बी वाई जीरो ब्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू थ्री बाई फाइव को स्पर्श करती है, करती है एवं ब्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू वन बराबर जीरो पर अविलंब है। है तो ए भी बराबर, ए भी हमें बताना है ए भी क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन के भी मैं ऑप्शन लिखे देता हूं आपके सामने भाई। ऑप्शन है 1.3, दूसरा ऑप्शन है आपका 3.1, तीसरा ऑप्शन है 1.2 और चौथा ऑप्शन है 2.1। चलो चलते हैं, ये आपका C1 व्रत है और ये आपका C2 व्रत है। तो और जो रेखा है आपकी, ये इसकी तो स्पर्श रेखा है और इसका क्या है, अभिलंब है। तो सबसे पहले तो इस व्रत को आप सही फॉर्म में लिख लें, एक बार ऐसे लिखें वाई सी के फॉर्म तो सही ही लिखा हुआ है। पहले व्रत का केंद्र, पहले व्रत का केंद्र क्या होगा आपका 1.0 और रेडियस क्या होगी आर इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 3/5। तो ये √2/√5 ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगर अब ये रेखा इसको स्पर्श कर रही है, ये इसको स्पर्श कर रही है तो निश्चित बात है इसके केंद्र से इस पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर होगी, त्रिज्या के। तो चलिए लंब की लंबाई डालते हैं तो क्या आएगा, 1 a आ जाएगा प्लस c आ जाएगा अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल में कितना आ जाएगा, 2√2/√5। भाई त्रिज्या एक बार चेक कर लें सही ढंग से, कहीं गड़बड़ ना हो जाए किसी भी प्रकार की। अब देखें इधर इसका स्क्वायर करें, यहां पर टेंशन एक बात की है कि अननोन 3 है, अननोन 3 है। चलते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो 5 a + c² इक्वल टू 2√2 कितना आ जाएगा, 8 और ये आ जाएगा a² + b²
इसको यहीं पर ड्रॉप करें इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट मानता है, ठीक है। अब इस दूसरे व्रत का सेंटर क्या है, सी टू व्रत का सेंटर है आपका -1,2, -1,2 है भाई। तो ये रेखा इस सेंटर से होकर गुजरेगी क्योंकि अविलंब है, तो यहां पर आपको मिलेगा माइनस का ए प्लस का 2b प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, क्लियर। अब आप देखें इधर कि यहां पर हमारे पास दो ही इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, और अननोन हमारे पास तीन है, ए बी सी। तो इससे बढ़िया है इस क्वेश्चन को सीधा सा करने का प्रयास करेंगे अपन ऑप्शन से। ध्यान से देखना कि जैसे 1 और 3 रखा, 1 और 3 पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, वो क्रॉस चेक मेथड ये ही आपको यूज करना है जल्दी से क्वेश्चन को करने के लिए। ये आएगा -1 प्लस का 6 प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो सी इक्वल टू यहां से आ जाएगा -5। ये वैल्यू यहां रखें ए और बी की, ठीक है, सी इक्वल टू -5 आया। तो अब ये वैल्यू यहां पर रखी जाए तो 5 ए की जगह 1 रखा, सी की जगह -5 का स्क्वायर इक्वल टू 8, ए स्क्वायर 1 प्लस 9 कितना आ जाएगा 4, 4 का वर्ग 16, 16 × 5 = 80 आएगा, और यहां से भी कितना आ जाएगा 80, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। चलिए दूसरा भी चेक करके देखते हैं, 3,1 रखते हैं तो माइनस का 3 प्लस का 2b 2 और प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास प्लस का ही। रखो भाई यहाँ पर रख के देखते हैं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं, दो आंसर तो नहीं आ रहे हैं कहीं अपने, तो 5 ये आ गया 3 + 1² इक्वल टू 8 9 + 1 कितना आएगा 3 और 1 = 4, 4 का वर्ग 16 × 5 = 80 और ये भी 80 भाई। अब यहां पर हम फंस गए, ये भी ऑप्शन दिख रहा है और ये भी। चलिए दूसरा मैथ एक और, अब इन दोनों बिंदुओं को इधर रख के देखो सर्कल में, तो ये कितना आएगा 1 + 9 + 2 - 12 + 1 तो 9, 2, 11 और 1, 12 और 1, 13 1, 9, 2, 11 और 1, ये बिंदु इधर नहीं है इस व्रत पर, इस पर रख के देखें 1 + 9 - 2 - 3/5 कितना आएगा 9 और 1 = 10, 10 में से 2 गया 8 नहीं, ये इस पर नहीं है। अब चलिए ये इस पर भी नहीं है और ये इस पर भी नहीं है, तो 3,1 रख के देखते हैं, ये ए और बी की वैल्यू है भाई, ए और बी की वैल्यू है यहाँ पर कहीं ना कहीं टच द सर्कल एंड नॉर्मल टू द सर्कल, यहाँ पर दिक्कत है इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, इसके ए बी सी की वैल्यू इसको संतुष्ट कर रही है, यहाँ पर 3 अननोन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये व्रत, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसकी दूरी, इसकी त्रिज्या कितनी आएगी इस व्रत की, R2 की 2, 1, ये 1 + 4 - 1 = 2 आएगी, त्रिज्या 2 आएगी ये। चलिए इसका आंसर देखते हैं एक बार क्या है इसका आंसर, ए आंसर दिया है इसका,
ए आंसर है इसका, और ए इसको संतुष्ट भी कर रहा है। ए इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, लेकिन बट इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ जरूर है। ये सी नहीं होना चाहिए, यहाँ सी की जगह कोई वैल्यू होना चाहिए आपके पास, या तो सी इक्वल टू यहाँ पर आपके पास -5 होना चाहिए। -5 होगा तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, लेक्चर नंबर 10। इस टाइप के उलझे हुए क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, जिनको हमें क्रॉस चेक ही करना पड़ता है। तो